गुन्नौर के बीजेपी विधायक अजीत यादव अपने आवास पर पीसी कर रहे योगी सरकार के 4 साल की उपलब्धियां अभूतपूर्व है। सरकार ने जहां किसानों के सम्मान निधि आवास और मकान देकर सम्मान किया, वहीं गांव को सड़क से जोड़ा है। 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। 4.5 लाख लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार दिया। विधायक ने कहा कि कल सीएम के संबल आगमन पर जिले के मेडिकल कॉलेज देने और घरेलू इस्तेमाल को किसान को मिट्टी के खनन की छूट देने की मांग करेंगे। आपको बता दें, सीएम के आगमन से पूर्व आज विधायक ने जिले के मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ धरने की चेतावनी दी थी। क्या है, किसके लिए बुलाई सर? योगी सरकार 4.5 साल की सरकार, जो योगी जी की सरकार ने 4.5 साल में उपलब्धि हासिल की है, वो बहुत अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, जिसमें कि पूरे प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बनाया है। आज तक कोई दंगा नहीं हुआ 4.5 साल के अंदर। किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे वो उनको निःशुल्क गरीब किसानों को आवास देने का काम हो, चाहे शौचालय देने का काम हो, चाहे वो नल हर घर में नल लगाने की योजना हो, गांव तक सड़क पहुंचाने की योजना हो, जिला मुख्यालय से और तहसील मुख्यालय तक सड़क से जोड़ने की योजना हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के संबंध में हो, चाहे वो आपके जो हर गांव के अंदर जो सचिवालय बन रहे हैं उनको बनाने की योजना हो, आंगनबाड़ियों को केंद्र को बनाने की योजना हो, भर्ती करने की योजना है, भर्ती में भी 4.5 लाख लोगों को उन्होंने भर्ती करके ये दिखाया, सिद्ध किया कि भर्ती करने के बावजूद भी 4.5 लाख लोगों को रोजगार देने के बावजूद भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो विधायक जी, कल संभल आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो क्या और अपेक्षाएं हैं, क्या क्या जरूर समझते हैं आप उनसे, क्या चाहते हैं? तो गौशाला बननी चाहिए यहाँ पर, जो किसान है उसके लिए मिट्टी की परेशानी है, वो मिट्टी की परेशानी को दूर होना चाहिए। और आपके यहाँ पर जो है, जो सड़कें हैं, या फिर एक हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, जो कि गरीब लोगों के लिए, जो इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, वो अपने तो ये मांगे रखेंगे आप मुख्यमंत्री जी से? हाँ, हम मांग रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।